हेलो फ्रेंड्स, मैं हुमांसी और आपका फिर से स्वागत है मेरी कुकिंग चैनल टेस्ट ऑफ हेवन में। आज की हमारी रेसिपी है तड़के वाली मिक्स दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए ऐसी वाली मिक्स दाल जो आपको बाजार में ना इजीली अवेलेबल है। इसको मैंने ना एक दो घंटे के लिए सोक किया है, फिर प्रेशर कुक कर लिया है। प्रेशर कुक करने के बाद ये दाल कुछ ऐसी आपको दिखेगी, ये देखिए। इसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे ये कुछ हमारे रूटीन मसाले। ये है धनिया, ये है ऑनियन, टमाटर, ग्रेटेड जिंजर और चॉप गार्लिक। ये है करी लीव्स और ग्रीन चिली। ये गरम मसाला एंड सांभर मसाला, लेमन जूस, सॉल्ट, ऑयल और थोड़ा सा वाटर। ये मैंने थोड़ा सा इसको अलग रखा है क्योंकि हम इसका ना दूसरा तड़का लगाएंगे, जो हम ये दाल रेडी हो जाएगी उसके बाद लगाएंगे। तो हम इसके लिए ये पैन लेंगे, गैस को ऑन करेंगे, थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे ये राई, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, हींग, करी लीव्स, ग्रीन चिली, ये चॉप गार्लिक एंड ग्रेटेड जिंजर, हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें ये ऑनियन। ऑनियन तो हमें बहुत नहीं पकाना है, बस वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगे उसके बाद हमें उसमें टमाटर डाल लेंगे। उसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये है कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला सांभर पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। दाल में मैंने पहले से ही थोड़ा सॉल्ट डाला था जब मैंने प्रेशर कुक किया था, तो हम इधर थोड़ा सा ही सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसमें अपनी प्रेशर कुक की हुई दाल डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम 5 to 7 मिनट के लिए उसको ढक के स्लो फ्लेम पे उबलने देंगे। ये 5 to 7 मिनट हो चुकी है, ये देखिए हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर और ये लेमन जूस। अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी हमें ना इसमें एक तड़का लगाना है जो हम घी का लगाएंगे, तो चलिए अब घी का एक तड़का लगाते हैं। तो ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है, अब हम उसमें घी का तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए
हम गैस ऑन करके थोड़ा सा घी ले लेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसमें डालेंगे ये चॉप गार्लिक। गार्लिक को हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन, ड्राई रेड चिली, ये थोड़ा सा चिली पाउडर, ज्यादा नहीं, और इसको गैस ऑफ कर लेंगे और ये उसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। तो ये रेडी है हमारी तड़के वाली मिक्स दाल।